गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल गुड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड पार्ट ऑफ 500 कंप्यूटर MCQs सीरीज। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर जियोग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशंस। आई होप आपने आंसर जो है वो टिक कर लिया होगा। डैश आर जियोग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशंस। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन 5 इज द राइट आंसर। यहाँ पे आइकन्स इज द राइट आंसर। आइकन्स को यूज किया जाता है, ठीक है। आइकन्स आर जियोग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स यूज टू रिप्रेजेंट कॉमनली यूज एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ए लैन कैन क्या हो सकता है अगर कंप्यूटर को लैन के साथ कनेक्ट किया गया है तो? हेयर द ऑप्शंस आर रन फास्टर, गो ऑनलाइन, शेयर इन्फॉर्मेशन एंड। यहाँ के क्या हो सकता है? इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है या फिर शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट। उसके बाद में फोर्थ ऑप्शन है ईमेल, फिफ्थ है नन ऑफ दीज, एंड द राइट आंसर इज कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ए लैन कैन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, दैट इज शेयर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आर शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। व्हेनेवर यू हैव टू गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स व्हाइल टाइपिंग ऑन ए पीसी, वी हैव टू प्रेस ए की नोन एज। कौन सी की को प्रेस किया जाता है अगर हमने स्पेस देनी है तो? हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन 5, दैट इज स्पेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सेकेंडरी स्टोरेज ऑप्शंस दिए गए हैं, डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर। उसके बाद में नेक्स्ट है डज नॉट यूज मैग्नेटिक मीडिया। नेक्स्ट इज कंसिस्ट्स ऑफ 4 मेन टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। नेक्स्ट इज डज नॉट शेयर, डज नॉट स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर लेटर रिट्राइवल। सो हेयर द राइट आंसर इज स्टोरेज, सॉरी सेकेंडरी स्टोरेज डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसको कांस्टेंट पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, किसका यूज करके जो है फर्स्ट कंप्यूटर को प्रोग्राम किया गया था? हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, दैट इज मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द सर्वर्स। इनमें से कौन सा फंक्शन जो है सर्वर्स के द्वारा नहीं किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज ईमेल प्रोसेसिंग की जाती है, डाटाबेस शेयरिंग ये भी की जाती है, उसके बाद में प्रोसेसिंग वेबसाइट्स ये भी की जाती है, स्टोरेज ये भी किया जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें, हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन 5, वर्ड प्रोसेसिंग जो है वो नहीं की जाती है। किसके द्वारा? सर्वर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। द डैश कंट्रोल्स क्लाइंट्स कंप्यूटर रिसोर्सेज, क्या कंट्रोल करता है क्लाइंट्स कंप्यूटर रिसोर्सेज को? हेयर द राइट आंसर इज, पहले हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन सेट, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ए क्लाइंट्स कंप्यूटर रिसोर्सेज, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनल द इंटरनेट अलोज यूज टू, क्या अलो करता है इंटरनेट? द इंटरनेट अलोज अस टू, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज सेंड ईमेल, यस, व्यू वेब पेजेस, यस, कनेक्ट टू सर्वर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, यस। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है, ये सारे के सारे सही हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वुड यू मोस्ट लाइकली यूज टू कीप ट्रैक ऑफ ए बिलिंग अकाउंट। What kind of software would you most likely use to keep track of a billing account? So billing account के ऊपर अगर हम track करना है तो कौन सा software इस्तेमाल करते हैं? Options are word processing, electronic publishing, spreadsheet, web authoring,
हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री दैट इज स्प्रेड शीट इज द राइट आंसर. स्प्रेड शीट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दैट हैव बीन कट आर कॉपीड आर स्टोर्ड इन एन एरिया कॉल्ड. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है. टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दैट हैव बीन कट आर कॉपीड आर स्टोर्ड इन एन एरिया कॉल्ड द, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्लिपबोर्ड. आपने देखा होगा. ठीक है. जब कंप्यूटर में हम काम कर रहे होते हैं तो क्लिपबोर्ड में जो है आके वो क्या हो जाता है? कॉपी हो जाता है. सो स्टोर हो जाता है उसमें आके. सो हियर क्लिपबोर्ड इज द राइट आंसर. आई होप आपने जो है आंसर टिक कर लिया होगा. फ्रेंड्स, ये थे आज के जो इम्पॉर्टेंट MCQs कंप्यूटर के. सो फ्रेंड्स, आजकल जो है थोड़ा सा ऑफिस में बिजी शेड्यूल्ड होने के कारण जो है वीडियोस बनाने का मौका बहुत ही कम मिल रहा था. सो अभी जैसे कि JKPSI की भी वैकेंसीज आने वाली हैं, प्लस JKP जो कांस्टेबल की वैकेंसीज हैं ऑलरेडी अनाउंस की गई हैं और विद इन डेज जो है उसके फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे. तो फ्रेंड्स, आप जो है जल्दी से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको शुरू कर दीजिए. बिकॉज अगर आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं एग्ज़ाम के लिए तो आई थिंक बिफोर इलेक्शंस जो है, अभी ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है फास्ट ट्रैक मोड पे होगी बिकॉज इलेक्शंस आर अप्रोचिंग. सो आप अच्छे से मेहनत कीजिए, अपने आप को फिजिकली फिट कीजिए और रिटर्न की तैयारी कीजिए ताकि आप अच्छे से नौकरी जो है वो ले सके. सो थैंक्स वंस अगेन. मिलते हैं इसी के पार्ट 4 में. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर.